फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमन शक्ति ब्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज है 21 नवंबर, तो हमारा जो छठ पूजा है वो अच्छे से बीत चुका है। तो अभी हम लोग को जाना है और अभी आई थिंक बज रहे हैं सुबह के 9:30। तो अभी जस्ट मैं नहा के निकली हूँ, तो सोचा कि चलो ब्लॉग को स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि फिर शायद भूल जाऊँगी। तो आज ही हम लोग को जाना है और 10 बजे तक अगर लोग आ जाएंगे तो हम लोग तुरंत निकलेंगे। और अभी जो है ना विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है, तो ढेर सारे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे फ्लावर भी आते हैं। और बाबू को आजकल ट्रैक्टर पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, वो हर टाइम ट्रैक्टर पे जाके बैठ जाता है। तो अभी वो देखिए मस्ती कर रहा है, तो मैंने छत पर से रिकॉर्ड कर लिया। और अभी सुबह सुबह बहुत ही अच्छी खासी धूप निकली थी और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी, और मन में थोड़ी सी उदासी है क्योंकि हमें अभी निकलना है तुरंत। और यहाँ पे ना नींबू का पेड़ था, तो मम्मी ने बोला कि थोड़े बहुत नींबू ले लो, तो वही मैं तोड़ रही हूँ, बट वो अभी कच्चे हैं। वुमेन नींबू चोरी करते हुए पकड़ी गई। हाँ हाँ, भाभी हो गया। तो मैंने यहाँ पे कुछ नींबू को तोड़ लिया है गांव पे ले जाने के लिए। और अभी बारी है हम लोग के जाने की, तो हम सब उदास हो चुके थे जाने के क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने। और मामी लोग भी उदास हो गई थी और मामा जी लोग बाबू को बोल रहे हैं कि आओ हम गोदी ले ले, बट वो जा नहीं रहा था, तो मुझे उसको गोदी लेना पड़ा। और मामा जी मुझसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीच बीच में आते रहना, अच्छा लगता है। तो ऐसे ही उदास मन से ही हमने सबको बाय बाय बोला। और अभी देखते हैं कि फिर सब लोग कब इकट्ठे होंगे, कब लोग मिलेंगे, क्योंकि इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और जिस दिन हम लोग आए ना, उस दिन 21 तारीख थी, तो 21 तारीख को पड़ता है मेरा बर्थडे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से मनाया क्योंकि कोई था भी नहीं घर में, बहुत कम लोग थे। बट हाँ, बर्थडे है तो केक कटिंग तो बनती है, तो बस एक सिंपल सा केक कटा और देखिए बाबू कितना खुश है। क्योंकि आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गए थे हम लोग, तो बहुत कुछ करने का मन नहीं किया। और जब फैमिली होती है ना तभी सेलिब्रेशन का मज़ा भी आता है, तो हम लोग बहुत कम लोग थे तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, सोचा कि चलो सिंपल सा ही कर लेते हैं। और वहाँ पे भी लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा बर्थडे है तो तुम रुक जाओ, मत जाओ, लेकिन वहाँ का तो काम ही है ना, एक एक दिन लोगों टालते रहते हैं, बोलते हैं रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन मुझे जाना था अपने मायके, तो उसके लिए भी मैं आई हूँ क्योंकि बाकी सारा कुछ करके मुझे पैकिंग भी करनी है। और यहाँ पे देखिए मैं बाबू को खिला रही हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है बर्थडे सेलिब्रेशन में। नेक्स्ट डे और कहीं जाओ ना तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है ना, तो वही कपड़े वगैरह का बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। तो और कपड़े भी ऐसे हैं ना कि आप मशीन में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आपको उसको हाथ से ही वॉश करनी होती है। तो साड़ी भी, जितने भी कपड़े थे वो सब मुझे वॉश करनी थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज जो है हम लोग का छत जो है पूरा फुल हो चुका है, कपड़े डालने तक की जगह नहीं थी, बट जैसे तैसे हमने मैनेज किया है और थोड़े बहुत है तो वो कल धुल लेंगे। तो अभी हमने देखिए कितने सारे कपड़े धो डाले हैं, और मेरी साड़ियाँ भी थी ना तो उसको भी धोना ज़रूरी था, और थोड़ा सा जगह भी कम पड़ रहा था तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे डाल दिया है। और एक दो साड़ी मैंने यहाँ पे भी डाली है, तो अभी ये सूख चुके हैं तो मैं इसको लेके भी जाऊँगी क्योंकि बहुत डर लगता है कि बंदर साड़ियों को फाड़ भी सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे और हम लोग को नानी गांव से जो भी मिला था मैंने वो आप सबके साथ शेयर नहीं किया, तो मैं सोच रही हूँ कि आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए मैं आपको बाय वन करके दिखाती हूँ। तो फर्स्ट है ये वाली साड़ी, ये रेड कलर की, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो ये हमें नानी जी ने दिया था, ये ऐसी, तो ये मुझे नानी जी ने दिया था। और ये है सेकेंड वाली साड़ी, ये कुछ ऐसी है, और इसका ये ऐसे बॉर्डर है, और मैं आपको पल्लू दिखाती हूँ।
तो ये है इसका पल्लू। तो ये मुझे दिया था बीच वाली मामी जी ने, और उसके बाद में ये वाली है सोने की साड़ी। एक्चुअली मुझे भी सब बैंगल बिंदी वगैरह था, बट मैंने उसमें से निकाल दिया है, और ये एक साड़ी है। तो ये नानी जी ने दिया है सोनी को, और इसका भी कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और ये भी साड़ी बहुत हल्की है, सेम ही है, सिर्फ कलर चेंज है और हल्की फुल्की डिज़ाइन अलग है। और उसके बाद है एक ये वाली साड़ी, तो मैं इसको ओपन नहीं करूँगी, ये कुछ ऐसी है, और इसका जो बॉर्डर है ये थोड़ा सा चौड़े में है। तो ये वाली साड़ी भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो ये बीच वाली मामी जी ने दिया था सोनी को, बाकी बड़ी मामी जी ने या और छोटी मामी जी ने सोनी और मुझे कैश दिया, और बाबू को भी कैश ही दे दिया था लोगों ने, क्योंकि बोला कि पता नहीं साइज कैसा होगा, और बाकी सब ने भी कैश दिया, तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हो गए थे। और अभी जो है वहाँ से आने के बाद में 21 तारीख को ही हम आए थे, और 21 तारीख को था मेरा बर्थडे, तो उसके लिए भी कुछ कुछ लोगों ने दिया है, तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। 21 तारीख को ही हम लोग दोपहर में आ गए थे, क्योंकि शाम को मेरा बर्थडे था, तो बहुत ज़्यादा नहीं किया, जस्ट नॉर्मल केक ही काटा। तो ये वाली है उलेन कुर्ती, तो ये वाली दी है मुझे सोनी ने मेरा बर्थडे गिफ्ट, तो ये ऐसी है कुछ। और उसके साथ साथ ही उसने मुझे दिया है ये सूट, और इसका जो कलर है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये है, और ये है इसकी स्लीव, और ये प्रिंटेड है, और थोड़ी बहुत इस पर गोल्डन गोल्डन सा है, बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बहुत ही ज़्यादा हल्का है। तो अभी इतना, मैं मायके जाने वाली हूँ, तो मैंने ये सब कुछ अपने बैग में रख लिया था, फिर सोचा कि ओपन करके दिखा देती हूँ, कि फिर पहन लूँगी तो फिर क्या फ़ायदा। और इसके साथ है ये पैंट, और साथ में है ये दुपट्टा, तो उसका भी सेम ही कलर है। और फिर दादी माँ ने मुझे कैश दिया था, तो कैश तो दिखा नहीं सकती, और उसके बाद में ये दिया है मुझे चांदनी ने ये वाली कुर्ती, तो ये भी सेम वैसी ही है, और दोनों कुर्ती का कलर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, ये ऐसी है, और इसके साथ है पैंट ऐसे प्रिंटेड, और उसके साथ में है ये दुपट्टा, ये ऐसा कुछ। तो चलिए, जो था जितना था सब कुछ आपको दिखा दिया, तो सोच रही हूँ कि साथ ही साथ इस वीडियो का एंड भी कर दूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।